अपराधी खुला घूम रहा है, बोला कहाँ है पुलिस प्रशासन, चुपचाप पुलिस प्रशासन आ देखिए, कोई नेता विधायक मंत्री को बाल बच्चा का कुछ होता है तो पूरा देश उलट के जाता है। वोट आवता था गोर पर गिरा था कुत्ता ला का चाटो चला था लो दुआरी दुआरी सुंगा चला था लो, आज लोग के बाल बच्चा गेल बताओ नहीं खेल लोग का तंग से उनका ना लोग का था जो हमारे जवान वैसन चल गए आँख बहल बंकर बैठल बल हाथ पर हाथ धो के माधर चोद लोग नो लोग नहीं खेल लोग का। आज एक गरीब के हुआ है तो कोई नहीं है, अभी तक यहाँ का विधायक क्षेत्र में है जो वो भी आज तक भेंट करने नहीं आया, इतना दिन के मतलब आज तक दुख व्यक्त करने आज तक नहीं आया है ना, नहीं हुआ। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आरती और छोटू की तरफ बुलडोजर चलना चाहिए? यस चलना चाहिए, उसका घर पर चलना चाहिए, उसका माँ बाप पर सब पर कार्रवाई होना चाहिए। कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन अब अगर ऐसी कोई बात है तो डरना है बिल्कुल। मैं अभी खड़ा हूँ बड़ा बरियारपुर में, बड़ा बरियारपुर के 45 नंबर वार्ड, जहाँ विगत दिनों 25 साल का एक युवक चमन कुमार का शव मिलता है। वो लड़की अभी फिलहाल गिरफ्तार है, लेकिन मैं अभी पहुँच गया हूँ परिजन के यहाँ, उनके परिजनों से बात करूँगा, उनके भाई से बात करूँगा। देखिए यही कर्म लिए हैं ड्रेस से आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से, मैं उनके भाई से बात करूँगा कि आखिर में पूरा मामला क्या है। तो सर क्या मामला है पूरा, आखिर में ये हत्या मतलब क्यों कर दिया गया, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सर हम 12 बजे 1 बजे करीब में यहाँ आए हैं थाना प्रभारी छतौनी जी, 1 बजे रात जी, सप्तमी के दिन 2 तारीख को जी यहाँ आए तो पूछे कि चमन कुमार का घर ही है। हम तो नहीं अभी उठे थे, अभी धीरे अभी आँख लगा था, कैसे हम भी काम करके आ रहे थे, जनरेटर लाइट का काम करते हैं, तो बेतिया रोड बंजरिया पंडाल बीके गार्डन है उधर, उसके आगे से काम करके आ रहे थे साइकिल से। तो माँ उठी, माँ को कि क्या बात है सर, क्या है, कुछ हुआ है क्या, तो कह नहीं आपका चमन कुमार का घर ही है, तो हाँ वो तो सोया है। तो कह रहे ना आप उस चमन कुमार का आपका अथी हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा बात बोले पुलिस जी। तो कहे नहीं नहीं, तो हम लोग तो पतिया नहीं रहते, काम तो कर रहे थे कि सो रहा है, वो आपको पता भी नहीं था कि वो कब गए हैं। इसी जगह पर बात है, वो आए थे इसी जगह से जहाँ आप खड़ा हैं, इसी तरह वो भी बोल रहे थे। अच्छा। इसी जगह पर खड़ा होकर। अच्छा। तो हम कहे ना उधर उनके सामने ही गोट खोले, सीधे हम छत पर गए ऊपर देखने। अच्छा। तो सही में वो नहीं था। तब कह रहे ना कहे आपको सर कैसे मालूम, तो हमको मुंसफी थाना के तरफ से खबर आया था, मोबाइल फोन कहे थे तो बड़ा बाबू। अच्छा मतलब आप मुफस्सिल थाना के अंतर्गत पड़ते हैं जी? ना हम छतौनी थाना के अंतर्गत, छतौनी थाना के अंतर्गत जी। और जो घटना हुआ था वो जी मुंसफिल थाना के क्षेत्र में पड़ता है। जी, जी, तो वो छतौनी मुंसफिल थाना ने फोन किया छतौनी थाना को कि आप इंक्वायरी करिए नाम का आदमी है कि नहीं इधर। अच्छा। तो वो फोन आए तो कहे कि नहीं नहीं है, तो जाइए आप सदर अस्पताल में देख लीजिए। तो सदर अस्पताल गए तो पोस्टमार्टम घर में मेरा भाई मृत्यु था, तो मतलब डेड बॉडी जी, डेड बॉडी था। और उधर चौकीदार से लोग से भी पूछे तो वो तो मर गया था DAV के पास, जहाँ से लाश बरामद हुई वहीं मर गया था। मतलब आप जब सदर अस्पताल गए तो वो डेड बॉडी ही था, मतलब घटना स्थल पे ही मृत्यु हो चुकी थी मानी जाता जी। हाँ उधर के जो रखवारी कर रहे थे चौकीदार लोग जी, वो कहे थे कि लाश उठाए गए तो वहीं पे DAV स्कूल के पास कोटवा जाने वाले रोड में वहीं पे उसका मौत हो गया था, पट्टे था। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि पीछे से हाथ, मतलब कैसे हत्या कर दिया गया, मतलब चाकू से या गोली से, कैसे पता चला कुछ? बहुत चाकू से वार है सर, कोई भी देखेगा तो पहचाना जाएगा। अच्छा। चाकू कल होकर मिला वहीं पे जी, घटना स्थल पे जी, उसके हट कर तो खेत में फेंका गया था चाकू, वो बड़ा जैसा कांटेदार चाकू था। अच्छा घटना को अंजाम दिया कौन? सर यही तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन बाद में जब हम पोस्टमार्टम करा के आ रहे थे उधर के मुंसफी थाने के बड़ा बाबू ने तस्वीर दिखाए अपना मोबाइल पे, तो हम कहे नहीं सर हम नहीं पहचानते। बाद में अंतिम संस्कार करके जाते हैं फूंक फाक कर गए तो मालूम चला कि उसी दिन रात में रामगढ़वा थाना में वो लोग पकड़ा गया है, लड़की जी। वो शख्स से नहीं पकड़ा गया कि खून करके जा रहे थे, वो तेज रफ्तार के वजह से पेट्रोलिंग करने वाले लोग उनको पीछा किया, तो अपाची गाड़ी था उनके पास, तो कहीं अंधेरा में ईंटा वोटा पर लगा होगा बस गिर गया था, तो दो आदमी फरार हो गया, एक लड़की का हल्का चोट आया और सर पर चोट आया, तो लेकिन वो संभल पाई भागने की कोशिश करी तब तक पुलिस ने पकड़ ली। कहा जा रहा है कि वो मतलब पहले से संबंध था इन दोनों आदमी में, ऐसा कुछ बात है क्या, आपको जानकारी थी क्या इसका? जी ना पहले से हम लोग को कोई जानकारी नहीं था ना, तो रहता तो हम तो अपने गांव समाज को हम तो कुछ भी करता है तो हम बोल चल करके कथी कर लेते हैं। उधर कोई 8:30 तक रोज सो जाता था, वो रोज आकर 8:30 तक सो जाता था। जो आदमी सोता है ना रात में घूमता है, वो सब चक्कर वाला आदमी कभी घूमता है, जो हमेशा 8:30 तक आके सो जाता था वो आदमी को क्या चक्कर कहिएगा? मतलब इसके मतलब उस परिवार के साथ आपका कोई पहले से कोई लफड़ा वगैरह तो नहीं जी? ना कोई वो कहाँ इधर से दूर है, उससे कोई लफड़ा नहीं था, कोई लफड़ा। लेकिन अब जैसे खुलासा हो रही है, जैसे लड़की उस दिन कहे तो हम चमन कुमार से बात कर रहे हैं, तो फिर लोग कहा कि चमन कुमार से बात कर रहे हैं तो ये मोबाइल क्यों लेके गया उस दिन
पुलिस ने 3 बजे करीब में 3 तारीख को पूछी रात में, तो चुप हो गई। तब चुप हो गई जब मोबाइल कैसे मिला तुम्हारे पास है, तो चुप हो गई। उस मतलब लड़के का मोबाइल, आपके भाई का मोबाइल उसके पास? वही कॉन्टेक्ट से ना रामघरवा थाने में मालूम चला कि लड़की खून भग करके भागी है। 25 साल के युवक का मौत हो जाना, इस तरीके से हत्या कर देना चाकू से, गोद के आई उनके मम्मी से बात करते हैं, कैसे हो गई सब? मतलब ये सब के पहले से अपने के कोई आशंका रहे, जैसे बतावल जाता है कि पहले से काहे कि घर में लड़का के बात मतारी के ज्यादा पता रहला, तो अपने के कोनो बात ऐसा पहले से ना? कोनो बात ना, ना कोनो बात ना रो। एक बैग पता चलल कि एक बैग प्रशासन आयल तो पता चलल जो हमरा तुम्हारा बेटा डेट खा गया है। अभी तक ले ना कोई प्रशासन है, ना विधायक है, ना नेता है, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। अब वही लोग वोट मांगने पहुंच जाता है समय। जब अपना पर पड़ता है, भाई बाप चाहे कोई पड़ता है ना, तब माधर चोद लो दौड़ल जाए ला गोड़ पर गिरेगा लो आ दौड़ल हई चीज बंद करेगा तो हो अथी बंद करेगा लो अथी सब हॉस्पिटल बंद होगा तो अथी बंद होगा कचहरी बन होगा लोग खबर कथी को रहता का ची को क्या गिरफ्तारी किसका हुआ है अभी उस शिल्पी के भाई खाली एक लड़की का हाँ। और लोग का लड़की किसी का नाम भी बताई है हाँ ना विवेक सिंह के अनिल शाह के बतौले बा अच्छा दूसर कोई के नहीं के बतौले दो आदमी का नाम लड़की बताई है हाँ दो कब बताई थी मतलब कितना दिन पहले ये बताई है यति में वो थाना से थाना आयल बताओ बतौले बा अच्छा तुम छतौनी थाना आई है तो बताइए ना फसिल थाना अभी छतौनी था ओकर के से में नहीं के आए अच्छा दोनों लड़के का गिरफ्तारी हुआ है ना मतलब क्या मांग करती हैं आप यहाँ के प्रशासन से हम मांग करेंगे ये जे कड़ी से कड़ी उसको सजा दे क्योंकि अब तो आपका बेटा चला गया तो अब आगे कार्रवाई कार्रवाई ये करेंगे जब कड़ी से कड़ी सजा दे और उसे ना होके तो हमरा के दे दे हम उसी तरीके बूटी बूटी काटेंगे ना तो फांसी का सजा दे ये करेंगे फांसी का सजा हाँ फांसी का सजा अच्छा, मतलब और भी बाकी जो समाज के लड़के हैं जो इस तरीके से करते हैं अपने घर के लोगों को दरकिनार करके दूसरे से प्यार मोहब्बत में उनको आप क्या सलाह देंगी कि इस तरीके से क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए हम ये कहेंगे जो दूसरा लड़का लड़का ऐसा लड़की के फेर में नहीं पड़ना चाहिए आज हम विधायक लोग बैठल बा लोग लो आँख में बॉटम लागल बा के बह गए आँख लोग के यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं आया जब वोट आवता था गोर पर गिरता कुत्ता लगा चट चलता लो दुआरी दुआरी सुंगत चलता लो आज लोग के बाल बच्चा गए बा तब नहीं लोग आँख से उनका ना लोग आज हमारे जवान ऐसा चल गए आँख बहल बंकर बैठल बल हाथ पर हाथ धो के माधर चोद लोग नो लोग नहीं खेल कर अपन बेटी चोदावता लो घर में बैठ के हो जाओ। देखिए वाकई में माँ के अंदर का दर्द है ये, किसी का जवान बेटा का मर जाना बहुत बड़ा कष्ट का कारण होता है, लेकिन ये जो एक संदेश बाकी समाज को दी है कृपया उस पर जरूर ध्यान दें। हमारे साथ अभी जो जिनका हत्या कर दिया गया है, निर्मम हत्या कर दिया गया, चमन उनकी बहन है हमारे साथ, थाना उसको पकड़ के लाकर दिया अच्छा। जब मोबाइल ऑफ करके मेरा भाई के लेके भाग रही थी, लेकिन अच्छा। रामघरवा थाना ने खोला था उसे, मोबाइल खोला था हाँ मोबाइल खोला अच्छा। सी जब खोलकर ओकरा बाद में बरामद किया यहाँ मुफस्सिल थाना, वहाँ से लड़की आई वही तो वो लोग पकड़ के दिए, न तो मतियारी के पुलिस कहाँ कुछ किया है, कुछ तक कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ भी नहीं किया। अगर वो लड़की पकड़ी नहीं जाती रामघरवा थाना को, तो मतियारी का पुलिस ये भी नहीं आज तक ले पता लगा पाता कि यहाँ कैसे मर्डर हुआ है। अच्छा इसका भी पता नहीं लगा पाता, इसके अभी पता नहीं लगा पाता अभी तक ले, जैसे लापरवाही से जिस तरह बैठे हुए हैं वो लोग। आप तो लोग गए थे उसके बाद यहाँ के थाना के बड़ा बाबू से मिले? नहीं, यहाँ से तो फोन से भी पूछ रहा है, लोग जा भी रहा है, लोग तो कह रहे हैं हम लोग बैठे थोड़े हैं छानबीन कर ही रहे हैं, बोलू खाली पता लगा रहे हैं उसका घर ये जगह है वो जगह है, उसके माँ बाप है सब कोई आराम से रह रहा है, जिसका गया है बेटा वो रो के प्राण अपन त्याग रही है, और उन लोगों को बस खाली उसका माँ बाप है लड़का भाग गया, तो वो लोग का दबाव देना चाहिए ना उनका माँ बाप पे कि हाँ आप अपना बेटा का सिलेंडर कीजिए ना, तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तब ना हुआ अपना बेटा को खड़ा करते, जैसे आरती छोटू का हुआ था देख रहे हैं, उनका घर पे वोल्टेजर चलने गया तब ना हुआ अपना अपना का सिलेंडर किया था, ना तो उसका पहले किया था कोई नहीं किया था, तो वही
मतलब आप क्या क्या चाहती हैं कि भाई आरती छोटू वाला कांड हो तभी लोग मानेगा? हाँ तभी मानेगा लोग, ना तो ऐसे तो मानने वाला नहीं है, ऐसे तो बुझा रहा है 6 महीने सालों पर चल जाएगा, केस को दबा दिया जाएगा। मतलब क्या करेंगे आप न्याय दिलाने के लिए अपने भाई को? देखिए न्याय दिलाने के लिए जहाँ तक ले हम लोग को जाना होगा, जहाँ तक ले जाएंगे हड़ताल करेंगे, एसपी साहब को भूख मतलब जो भी प्यास होता है हम लोग खाना वाना नहीं खाएंगे, भूखे प्यासे जाकर उनके लेकर बैठेंगे, न्याय के गुहार लगाएंगे कि हमें इंसाफ मिलनी चाहिए हमारे भाई को, तभी ना मेरे भाई को आत्मा की शांति। अपराधी खुला घूम रहा है, बोला कहाँ है पुलिस प्रशासन, चुपचाप पुलिस प्रशासन। आज देखिए कोई नेता विधायक मंत्री को बाल बच्चा का कुछ होता है तो पूरा देश उलट के जाता है। आज एक गरीब के हुआ है तो कोई नहीं है, अभी तक यहाँ का विधायक क्षेत्र में है जो वो भी आज तक भेंट करने नहीं आए, इतना दिन के मतलब आज तक दुख व्यक्त करने आज तक नहीं आया ना, नहीं हुआ। मतलब आप क्या चाहती है कि आरती और छोटू की तरफ बुलडोजर चलना चाहिए? यस चलना चाहिए, उसका घर पर चलना चाहिए, उसका माँ बाप पर सब पर कार्रवाई होना चाहिए। मतलब अगर एक नेता के घर में चोरी होता है तो आप स्पीडी ट्रायल चलाते हैं, अगर एक नेता का बेटा मरता है हत्या होता है तो आप स्पीडी ट्रायल चलाते हैं, एसपी का एसपी पहुंच जाता है, और एक इस मामूली सा परिवार के घर में एक बेटा चला गया 25 वर्षीय युवक, और पता है आपको कि कौन हत्या किया है, नाम भी पता है, फिर भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो वाकई में ये जिला प्रशासन का नाकामी आई है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? भैया हम तो चाहते हैं कि जिस लड़का का नाम रखी है उसको जल्दी से गिरफ्तारी हो, उसको सजाएं मिले, बस यही न्याय चाहते हैं हम लोग, यही न्याय चाहते हैं। जी हाँ, तो कोई कुछ नहीं किया है, उसी तरह एक आदमी पकड़ाया है उसके बाद कोई नहीं पकड़ाया है, यही तो बात है। मतलब तो क्या होना चाहिए? ये ना क्या होना चाहिए, जो जुर्म किया है उसको पकड़ कर फांसी का सजा दे, फांसी का सजा दे, फांसी का सजा। अच्छा, तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से लोगों के अंदर भी आक्रोश है, लोग कह रहे हैं कि इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे सोचेंगे, कुछ करेंगे, वाकई में अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये उनकी बहन है, ये अगर कुछ करे या ना करे, लेकिन ये जो कह रही है कि मैं न्याय दिलाऊंगा, तो यकीन मानिए कि अगर एक मातृशक्ति चल देना तो फिर वहाँ हर कोई परेशान हो सकता है, हर कोई नतमस्तक हो सकता है। तब तक के लिए देखते रहिए फाइनल पोस्ट, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।